Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the second part of the chapter of 6th standard, that is Seven Sisters. इसके previous video जो था, पहले वाले video में, part 1st में हमने discuss किया था, इसमें 4 sisters के बारे में, that is Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya और Manipur. आज हम जो 3 sisters और हैं, that means 3 states और हैं, उनके बारे में discuss करने वाले हैं. चलिए शुरुआत करते हैं हम Mizoram से. Hello. I am Mizoram. Mizoram implies land of the hill people, referred to as the Kukis. तो मिजोरम जो है वो हिली लोगों का जो एरिया होता है, means land of hill, जहाँ पर हिल होती है बहुत ज़्यादा, वाला कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है, means मिजोरम को land of the hill भी कहा जाता है, और इसको Kukis नाम दिया गया है. I invite you to see my land of lush hills, sheer cliffs, serene lakes and waterfalls. तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, दैट मीन्स मिजोरम हमको इनवाइट करता है इस चीज़ के लिए, देखने के लिए उसकी जो लश हिल्स है, जो हेल्दी एकदम ग्रीन ब्यूटीफुल से हिल्स हैं, शेर क्लिफ्स हैं. क्लिफ्स का मतलब होता है ह्यूज रॉक, जो एकदम बड़े बड़े चट्टाने होती हैं, बड़े बड़े चट्टाने नहीं मैं कह सकती हूँ, मीन्स जो बड़ी बड़ी आपके पत्थर से मतलब वही जो चट्टानी एक तरीके से करेक्ट वर्ड है इसके लिए, तो ह्यूज रॉक होता है. सरीन मीन्स काम, एकदम शांत लेक होती है. वाटरफॉल्स, रोलिंग हिल्स स्ट्रेच अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, और जो हिल्स हैं, जो रोलिंग हिल्स हैं, तो वो पूरी मीन्स हंड्रेड ऑफ माइल्स तक वो फैली हुई हैं. जो प्लेन्स एंड वैलीज आर कवर्ड विद लश फॉरेस्ट एंड थिक बैम्बू ग्रोव्स, और जो प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, वैलीज में आप कह सकते हैं स्मॉल माउंटेन जो होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल हिल्स होती हैं वो, तो वो पूरी तरह कवर्ड है फॉरेस्ट से, थिक बैम्बू ग्रोव्स. ग्रोव्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो बैम्बू ट्रीज से कवर्ड हैं. ग्रीन पैडी फील्ड्स हैं, वहाँ पर आपको पैडी के फील्ड मिलेंगे. वाइन यार्ड्स मिलेंगी, टीमिंग विद डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, तो ये पूरी तरह आपको अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ वहाँ पर देखने को मिलेगी. माई रिग्रेट इज़ दैट नॉट मैनी ऑफ यू कम टू विजिट मी, और मेरे को जो दुख है वो ये है कि आप में से कई लोग मुझे देखने या मुझे विजिट करने नहीं आते हैं. वेल, ट्रैवलिंग इन मिजोरम इज अ लिटिल डिफिकल्ट बट इट हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड्स. मिजोरम में ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसके अपने अपने कुछ रिवॉर्ड्स मीन्स आप कह सकते हैं कि देखिए रिवॉर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है इनाम, लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड है कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड होगा, बहुत अच्छे आपको एक्सपीरियंस होगा. द नेचुरल ब्यूटी हियर इज एक्विजाइट एंड मस्ट बी सीन टू बी बिलीव, और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसको देखना चाहिए एक बार. माई कैपिटल इज एज़ावल, और जो मेरी कैपिटल है वो कौन सी है, एज़ावल है. एंड फ्रॉम इट्स सीनिक लोकेशन यू कैन गेट अ कैप्टिवेटिंग व्यू ऑफ लश एमराल्ड ट्लांग रिवर वैली इन द वेस्ट एंड द तुरल रिवर वैली इन द ईस्ट, और यहाँ पर जो कैपिटल है यहाँ से आपको कई सारे ऐसे लोकेशन देखने को मिलेंगे, ऐसे सीन, इतने ब्यूटिफुल सीन्स मिलेंगे जिसमें आपका जो मीन्स आप उसमें गुम जाएंगे इन द सेंस आप में उसमें खो जाएंगे. उसके जो रिवर वैली हैं, दो तरह की रिवर वैली बताइए यहाँ पे, फर्स्ट है एमराल्ड त्वांग और दूसरा है तुरल रिवर वैली. तो वो जो त्वांग रिवर वैली वो वेस्ट में और तुरल ईस्ट में है. द म्यूजियम इन द हार्ट ऑफ द सिटी ज़ारकवात पोर्ट्रेज द कल्चर ऑफ मिजोरम with a splendid collection of costumes, artifacts and historical relics. Relics का मतलब होता है historical objects. तो museum जो है in the heart of the city, means ज़ारकवात करके museum है जिसको heart of the city, means city के heart in the sense middle में, तो वो heart of the city कहलाता है ज़ारकवात, और वो portray करता है, वो show करता है मिजोरम का culture, वहाँ के costumes, वहाँ के जो arts हैं, वहाँ जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको शो करता है. द पलक लेक इज़ द बिगेस्ट इन मिजोरम, और जो पलक लेक है वो सबसे बड़ी है मिजोरम में. एंड कवर्स 30 हेक्टर्स 74 एकर्स, 30 हेक्टर्स को कवर करती है. डू यू नो दैट इट इज़ बिलीव दैट द लेक वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक और अ फ्लड, और क्या आप इस चीज़ पर आप बिलीव करेंगे जो लेक है वो रिजल्ट है किसी अर्थक्वेक का या फिर किसी फ्लड का. चंपाई विद इट्स फर्टाइल वाइन यार्ड्स इज नोन एज द फ्रूट बोल ऑफ मिजोरम. चंपाई एक जगह है जिसमें बहुत ही अच्छे वाइन यार्ड्स मिलेंगे आपको. वाइन यार्ड्स में से आप कह सकते हैं जो वाइन
काफ़ी सारे वाइन के प्लांट्स ट्रीज होते हैं वहाँ पे, वाइन ट्रीज होते हैं, तो उस प्लेस को आप कह सकते हैं वाइन यार्ड, तो उसको फ्रूट बोल कहा जाता है मिजोरम का। आई एम ऑल्सो होस्ट टू न्यूमरस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा, और यहाँ तक कि मैं आपको कई सारे अलग अलग तरह के बर्ड्स मिलेंगी, वाइल्ड लाइफ मिलेगा, कई तरह के अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, दैट मीन्स नेचुरल लाइफ मिलेगी। यू कैन विजिट द 2 नेशनल पार्क एंड 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हियर, और यहाँ पे आपको 2 नेशनल पार्क और 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलती हैं। मिजो इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज, और मिजो जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा यूज़ की गई लैंग्वेज है। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हिच लेक इज द बिगेस्ट इन मिजोरम? सेकेंड, विच इज द फ्रूट बॉल ऑफ मिजोरम? फ्रूट बॉल कौन सा है? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सिस्टर, दैट इज नागालैंड। हेलो, आई एम नागालैंड, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। इसको आप ईस्ट का स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, सबसे छोटी स्टेट जो है उसमें से एक नागालैंड भी है। हियर वी हैव अ लैंड ऑफ फोकलोर पास डाउन थ्रू जनरेशंस, और हमारे पास जो हमारी जो ज़मीन है या फिर आप कह सकते हैं जो नागालैंड स्टेट है वो, उसमें कई सारे ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं जो जनरेशन के थ्रू पास हुए हैं, दैट मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पास हुए हैं, विद म्यूजिक एज एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ आर लाइफ, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? म्यूजिक है। द एक्विजिटली पिक्चरस्क्यू लैंडस्केप्स, द वाइब्रेंटली कलरफुल सनराइज एंड सनसेट, lush and verdant flora make my land unimaginably beautiful। तो जो एकदम आपको picturesque landscapes, that means आप देख कर उसको ऐसा लगता है जैसे आप किसी पिक्चर को देख रहे हो, किसी ब्यूटीफुल से सीन को देख रहे हो जो अपने आप को पूरा डिस्क्राइब करता है। तो इस टाइप के आपको लैंडस्केप्स वहाँ पर सीन्स देखने को मिलते हैं, एकदम ब्यूटीफुल सा सनराइज सनसेट देखने को मिलता है जो एकदम वाइब्रेंट होता है, आपको एकदम आप कह सकते हैं कि एकदम फुल ऑफ एनर्जी कर देता है। लश और वर्डांट, वर्डन का मतलब होता है ग्रीन विद ग्रास, तो ऐसे ही फ्लोरा देखने को मिलेगा आपको, और इन सब के कारण जो उनकी उसकी जो लैंड है, दैट मीन्स जो नागालैंड है, वो अपने आप में अनइमेजिनेबली ब्यूटीफुल बनता है। द स्टेट कैपिटल इज कोहिमा, यहाँ की जो कैपिटल है नागालैंड की वो कौन सी है? कोहिमा। द स्टेट इज मोस्टली माउंटेनियस, और ज़्यादातर यहाँ पर माउंटेन देखने को मिलेंगे। माउंट सारामती इज द हाईएस्ट पीक विद हाइट ऑफ अबाउट 3,840 meters, एंड इट्स रेंज फॉर्म्स अ नेचुरल बैरियर बिटवीन नागालैंड एंड बर्मा, और वहाँ पर एक माउंट कैसे माउंटेन इसका नेम है माउंट सारामती, वो हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है अराउंड 3,840 meters, और उसकी जो रेंज है वो एक नेचुरल बैरियर बनाती है नागालैंड और बर्मा के बीच में। बैरियर में से आप कह सकते हैं बॉर्डर। देर आर ओवर 16 ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स दैट इनहैबिट माई एग्जॉटिक हिल स्टेट, और 16 टाइप की वहाँ पे ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स हैं जो एग्जॉटिक हिल स्टेट का मतलब, एग्जॉटिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो नेटिव नहीं होती है, तो वहाँ की आप कह सकते हैं थोड़ा सा नेटिव नहीं होता है वो, बाहर की भी कुछ ट्राइब्स हैं वहाँ पे, ईच विद इट्स ओन यूनिक कलरफुल एंड इंट्रिकेटली डिज़ाइन कॉस्ट्यूम, और हर ट्राइब की अपनी एक कॉस्ट्यूम होती है, ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन की गई होती है, उनकी ज्वेलरी होती है, बीड्स दैट अडॉर्न दैम, बीड्स जो जब वो उसको बीड्स को वेयर करते हैं, जब उन ज्वेलरी को पुटअप करते हैं तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। टुडे मैनी ऑफ माई यंग पीपल हैव वेंचर्ड इनटू फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग फैब्रिक्स दैट ब्लेंड आर ट्रेडिशनल मोटिव्स विद मॉडर्न अपील, और आज मेरी कई सारे जो यंग पीपल हैं, जो यंग जनरेशन है, वो ज़्यादातर किस चीज़ में गए हैं? फैशन डिज़ाइनिंग में गए हैं, जिसमें डिफरेंट फैब्रिक्स उन्होंने क्रिएट किया है, कुछ हमारे ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक वर्क को यूज़ करते हुए और एकदम मॉडर्न वे में उसको प्रेजेंट किया है। सो मच सो आई हैव बिकम अ पैराडाइज फॉर दोज हु आर इन टू फैशन डिज़ाइनिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनके लिए जो फैशन डिज़ाइनिंग में हैं उनके लिए मैं एक तरीके से एक पैराडाइज हूँ, उनके लिए आप कह सकते हैं हेवन हूँ। पीपल रेफर टू मी एज एन अफ्लुएंट फैशन स्टेशन ऑफ द ईस्ट, और पीपल मेरे पास आते हैं जैसे कि उनके फैशन की काफ़ी चीज़ें उनको वहाँ मिल जाती है ईस्ट में, ईस्ट साइड जो है वो। माई लैंड इज एन आइडल प्लेस फॉर ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जंगल कैंपिंग, एंड ऑफर्स लिमिटलेस एक्सप्लोरेशन पॉसिबिलिटीज इन इट्स लश एंड वर्डन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
और मेरी जो लैंड है, मेरी जो भूमि, जो मेरी जो कह सकते हैं वहाँ का जो, दैट इज़ नागालैंड इट्सेल्फ। तो नागालैंड एक तरीके से जगह है ट्रैकिंग के लिए, वहाँ पर ट्रैकिंग करने जाते हैं कई लोग, रॉक क्लाइंबिंग होता है और जंगल कैंपिंग, जंगल में कैंप लगाते हैं, कैंपिंग करते हैं और कई ज़्यादा चीज़ें वो लोग एक्सप्लोर करते हैं। दैट मीन्स हर चीज़ वो देखते हैं, पसंद करते हैं और सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को भी वो देखना पसंद करते हैं। बहुत सुंदर चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। हियर वी हैव एन अबंडेंस ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स टू, और यहाँ तक कि उनके पास मेडिसिनल हर्ब्स भी बहुत सारी मिल जाती हैं, ऐसी हर्ब्स जो मेडिसिन की तरह काम आती हैं। आई एम नोन एज द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और मुझे फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्ड्स फाउंड हियर, और जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो सबसे ज़्यादा पाई जाए, मीन्स आप कह सकते हैं कि ऐसी फेमस बर्ड है जो यहाँ पे मिलती है आपको ज़्यादातर। नागास बाय नेचर आर लवर्स ऑफ फन एंड फ्रॉलिक, और जो नागास दैट मीन्स वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर नेचर से ज़्यादा, उनको क्या है, बाय नेचर आर लवर्स, दैट मीन्स उनका जो नेचर है, उनका जो आप कह सकते हैं हमारा नेचर होता है ना, किसी का अच्छा होता है किसी का बुरा होता है, तो वो नेचर उनका किस तरह का है, दे आर लवर्स ऑफ फन एंड फ्रॉलिक, फ्रॉलिक का मतलब है चीयरफुल, एकदम चीयरफुल, एकदम हैप्पीली, तो लाइवली रहते हैं वो, तो एकदम चीयर करते हुए रहते हैं वो, चीयरफुल रहते हैं। और लाइफ व इज़ वन लॉन्ग फेस्टिवल, उनके हिसाब से लाइफ जो है वो एक लंबा फेस्टिवल है, दैट मीन्स हर एक दिन को फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं। डांस एंड सॉन्ग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर फेस्टिविटीज़, और डांस और सॉन्ग्स एक पार्ट है, एक पार्सल है उनकी फेस्टिविटीज़ का, जैसे कि उनका कहना है कि लाइफ इज़ अ लॉन्ग फेस्टिवल फॉर देम, तो हर एक दिन उनके लिए सॉन्ग्स डांस से भरा होता है। मोस्ट ऑफ आवर डांसेस आर परफॉर्म्ड विद अ रोबस्ट रिदम, और ज़्यादातर हमारे जो डांस है वो किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग, एकदम आप कह सकते हैं कि एनर्जेटिक रिदम से भरी होती है। इफ़ यू लव अ कलरफुल लाइफ एंड अप्रिशिएट एथनिक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विद द यूनिक सॉन्ग्स डांसेस एंड फेस्टिवल्स, यू मस्ट कम टू आर नागा हेरिटेज विलेज which showcases our cultural heritage. Do come and participate in our great Hornbill festival. तो अगर आप भी colorful life को पसंद करते हैं, या ethnic customs जो पुराने customs आ रहे हैं उनको आप appreciate करते हैं, traditions को आप पसंद करते हैं unique songs के साथ, dance के साथ, festivals के साथ, तो आपको Naga heritage village में ज़रूर आना चाहिए, जो showcase करता है cultural heritage को। cultural heritage का मतलब यहाँ पर है कि ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, उस कल्चर को, उस ट्रेडिशन को, तो आप यहाँ पर आइए और हमारे ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 कम्स ओवर हियर, व्हाट मेक्स लैंड ऑफ नागालैंड अनइमेजिनेबली ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्ड्स फाउंड इन नागालैंड। ओके, नेक्स्ट इज त्रिपुरा। हेलो, आई एम त्रिपुरा, थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री, bordered by Bangladesh to the north, south and west. Tripura means three cities. Tripura जो है वो third smallest state है इंडिया में, और ये इसका bordered है, that means इसके border में आपको Bangladesh से north, south, west तरफ मिल जाएंगे, और Tripura का मतलब होता है three cities, three means three. Tripura का मतलब near water भी होता है, और some scholars also believe that the land was ruled in ancient times by king named Tripura, from whom my name emerged. My land has three distinct geographical zones. तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कई साल पहले की बात है, किंग त्रिपुर ने यहाँ पर रूल किया था, इसके कारण इसका नाम त्रिपुरा पड़ गया है। इसके थ्री geographical zones हैं, first है hill ranges which run from north to south. तो hill ranges हैं, पहाड़ियों की पूरी range है जो north से south तक जाती है। द undulating plateau, undulating का मतलब स्मूथली राइजिंग एंड फॉलिंग, ऊपर नीचे होता हुआ plateau है, और द लो लाइंग alluvial plains, alluvial soil होता है तो उसके plains, नॉट प्लांट सॉरी plains, तो ऐसा कुछ लो लाइंग, दैट मीन्स एकदम नीचे होते हुए alluvial plant soil से वो भरा हुआ है उसका plain. Many rivers nourish my land and sustain the activities of my people. कई rivers मेरी लैंड से निकलती है, उसको नरिश करती है और सस्टेन करती है लोगों की एक्टिविटीज़ को। चीफ अमंग देम आर, और कुछ जो रिवर चीफ हैं वहाँ पे कौन सी है, गुमती, द गुमती, द मुहरी एंड द फेनी, ये तीन रिवर्स हैं वहाँ की चीफ मेन रिवर्स। राइस, कॉटन, जूट, टी, टोबैको एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन हियर,
और ज़्यादातर आपको यहाँ पर किन चीज़ों की प्रोडक्शन मिलेगी, राइस, कॉटन, जूट, टी टोबैको और ऑयल सीड्स की। द कोकबोरोक स्पीकिंग त्रिपुरी पीपल आर द मेजर ग्रुप अमंग द मैनी ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स। और ऐसे त्रिपुरी लोग जो कोकबोरोक लैंग्वेज बोलते हैं वो ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बंगाली एंड मणिपुरी पीपल हैव को एक्जिस्टेड इन पीसफुल हार्मनी विद द पीपल ऑफ त्रिपुरा फॉर जनरेशन। और बंगाली और मणिपुरी भी इनके साथ ही चल रहे हैं, एक हारमोनी में रहते हैं, मीन्स खुशी से रहते हैं वो लोग, और वो भी त्रिपुरा के लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ ही रहते हैं। आई एम रादर डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेस बिकॉज वन मेजर रोड और नेशनल हाईवे कनेक्ट्स माई लैंड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हूँ आपके लिए, आपकी पहुँच के लिए, क्योंकि कारण ये है कि मेजर रोड या नेशनल हाईवे जो है मेरा, वो मेरी लैंड का वो दूसरी कंट्री से कनेक्ट होता है। अगरतला इज़ माई कैपिटल सिटी और अगरतला मेरी कैपिटल है। पीपल कम टू विजिट मी फॉर इको टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म। लोग यहाँ पे मुझे विजिट करने आते हैं इको टूरिज्म के लिए और आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ जो पुरानी चीज़ों से रिलेटेड होती है। माई लश टी गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड माई स्पेशली सेटअप इको पार्क्स आर अ ग्रेट अट्रैक्शन। जो एकदम ग्रीन ट्री गार्डन्स हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, स्पेशली इको पार्क्स हैं, वो काफ़ी हद तक अट्रैक्शन है लोगों के लिए। एज आर द फेमस रॉक कार्विंग्स एट डियोतरमूरा। और कई जगह रॉक कार्विंग्स भी आपको मिलेगी। रॉक कार्विंग का मतलब होता है कि रॉक पर कुछ कार्व कुछ बनाया गया, तो वो देखने को मिलेगा हमको डियोतरमूरा में। द नीर महल इज़ अ गॉर्जियस रेड एंड वाइट वाटर पैलेस। वाटर पैलेस है वहाँ पे, नेम है उसका नीर महल, बट शिमरिंग ऑन इट्स ओन आइलैंड इन द लेक ऑफ रुद्रसागर। और वो अपने आप में ही चमकता रहता है वो आइलैंड, ऑन इट्स आइलैंड, उसका आइलैंड जो है रुद्रसागर के आइलैंड पर, वो अपने आप में ही चमकता रहता है। वो खाली है लेकिन फिर भी शिमर करता है, दैट मीन्स शाइन करता है। पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स पार्टिसिपेट इन स्टेट फेस्टिवल्स लाइक गारिया, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, खर्ची, पौष संक्रांति शुड बी संक्रांति, बिजू और क्रिसमस। और सारे कम्युनिटी के, सारे ट्राइब्स के जो पीपल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इनके स्टेट फेस्टिवल्स में। ये सब स्टेट फेस्टिवल थे इनके, गारिया, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, ये सब इनके स्टेट फेस्टिवल्स हैं, दैट मीन्स वहाँ के फेस्टिवल्स हैं। कम एंड विजिट मी, और मुझे विजिट करो। यू विल बी फैसिनेटेड बाय माई रिच कल्चरल हेरिटेज, ब्यूटिफुल पैलेसेज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हिस्टोरिकल टेम्पल्स, पैलेसेज एंड म्यूजियम्स। और आप यहाँ पर आओगे तो आपको एकदम इंटरेस्ट आएगा मेरे कल्चरल हेरिटेज को देखने में, पैलेसेस को, सेंचुरीज को, हिस्टोरिकल टेम्पल्स को, म्यूजियम्स को देखने में। माई फोक डांसर्स विल एंथ्रॉल यू एंड माई पीपल विल वेलकम यू विद वार्मथ एंड कर्टसी। और जो यहाँ के फोक डांसेस हैं, दैट मीन्स ट्रेडिशनल डांसेस हैं, वो आपको एकदम आपका अटेंशन कैप्चर कर लेंगे। एंथ्रॉल का मतलब होता है कैप्चर द फैसिनेटेड अटेंशन ऑफ, दैट मीन्स किसी का अटेंशन, किसी का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लेना। तो इसी तरह का मेरा फोक डांस है और जो यहाँ के पीपल हैं वो एकदम वार्मथ एंड कर्टसी, दैट मीन्स वो आपको पूरे मैनर्स और हैप्पीनेस के साथ वेलकम करेंगे। योर क्वेश्चन नंबर 5 कम्स ओवर हियर। यू हैव टू फाइंड द कैपिटल ऑफ दीज ऑल स्टेट्स। फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड आसाम, थर्ड मेघालय, फोर्थ मणिपुर, फिफ्थ मिजोरम, सिक्स नागालैंड एंड सेवन्थ त्रिपुरा। एट द सेम टाइम यू हैव टू लर्न ऑल्सो, इट इज़ गुड फॉर योर जनरल नॉलेज। तो ये आपको लर्न होना चाहिए इनकी कैपिटल, सेवन सिस्टर्स कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, और एट द सेम टाइम आपको इनकी कैपिटल्स भी लर्न होनी चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। Okay then, take care, stay safe.